नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 12 जुलाई, तो 12 जुलाई से संबंधित जितने भी आईएमपी क्वेश्चन बनते हैं जो कि पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया है जिसका नाम सहकारिता मंत्रालय है। इस मंत्रालय के मंत्री अमित शाह जी हैं। इसके अतिरिक्त अमित शाह के पास गृह मंत्रालय भी है। तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित जितने भी मंत्रालय होते हैं उनको अपन सहकारिता मंत्रालय कहते हैं, और इनके मंत्री कौन है? अमित शाह जी। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा मत्स्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया है। इसे मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने लॉन्च किया है जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं। यदि हम बात करें इस मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो उनका नाम क्या? पुरुषोत्तम रूपाला इस मंत्रालय के मंत्री हैं जो कि अभी हाल ही में नए मंत्री बने इस मंत्रालय के। तो आपको ये बात इसमें याद रखनी है कि मत्स्य सेतु ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में स्थित बक्सवाहा संरक्षित वन क्षेत्र में प्रस्तावित हीरे की माइनिंग चर्चा में। यदि आप डेली न्यूज़ वगैरह पढ़ते हो एमपी से संबंधित या इंडिया संबंधित, तो मध्य प्रदेश में जो आपका छतरपुर ज़िला है वहाँ पर एक हीरे की माइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा वन क्षेत्र को प्रस्तावित किया, तो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। पेपर के लिए यदि इससे क्वेश्चन बनता है तो सिर्फ इतना सा है कि बक्सवाहा संरक्षित वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य के कौन से ज़िले में पड़ता है, तो उसका सही उत्तर क्या होगा? छतरपुर ज़िले में, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है माइनिंग को लेकर, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, हीरे की माइनिंग को लेकर बातचीत चल रही है, तो ये चर्चा में। तो आपको याद रखना है कि ये कौन से ज़िले में पड़ता है? मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अमीनपुर झील के मध्य में निजी सड़क बनाने का काम किया जा रहा है। अब आप एक बात सोचिए, यदि कोई भी एक झील है जो कि प्राकृतिक है, यदि उसके बीचों बीच से एक सड़क बनाई जाए, वो भी क्या दिया है, जिससे ये झील क्या होगी, दो भागों में बढ़ जाएगी, तो ऐसे जो वहाँ की प्रकृति होगा, जो नेचर होगा, जो वहाँ की जैविक संपदा होगी, जो भी उसमें जीव जंतु जो निवास करते होंगे, वो खतरा नहीं होगा क्या? तो ये चीज़ भी आजकल के आज समय में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। प्रश्न इसका यह बन सकता है कि अमीनपुर झील किस राज्य में स्थित है, इसका सही उत्तर क्या होगा? हैदराबाद। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो ये झील है इसके बीचों बीच एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिससे ये झील क्या होगी, दो भागों में बट जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नासा के सनी मिशन कैसिनी हुईगिन्स, नाम याद रखना है आपको, नासा का एक सनी का मिशन है जिसने यहाँ से सनी के लिए क्या हो जाता है, एक यान भेजा जाता है, इसका नाम क्या है? कैसिनी हुईगिन्स। अंतरिक्ष यान ने सनी के उपग्रह, एक सनी का उपग्रह है वहाँ पर टाइटन के वायुमंडल में मीथेन गैस की उपस्थिति का पता लगाया है। तो पेपर के लिए आपको इसमें याद क्या रखना है कि ऐसा कौन सा अंतरिक्षयान है जिसने शनि के उपग्रह टाइटन पर मीथेन गैस का पता लगाया, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कैसिनी हुईगिन्स, ठीक है। यह मिशन नासा के द्वारा वर्ष 2004 में लॉन्च किया गया था, और इस मिशन का कार्यकाल कितना है? 2025 तक। तो ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। यदि बात की जाए शनि ग्रह की, तो शनि ग्रह के जो उपग्रह हैं, जो सैटेलाइट से नेचुरल से, उनकी संख्या कितनी है? 82 है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इतना ही याद रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका खेल से संबंधित, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले उदयमाने दूसरी भारतीय गोल्फर बने हैं। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत की ओर से क्वालिफाई करने वाले प्रथम गोल्फर माना पटेल हैं। तो ये दोनों बातें याद रखना है, क्योंकि भारत से गोल्फर बहुत कम निकलते हैं। तो प्रथम गोल्फर कौन है जो कि टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुए हैं, तो उनका नाम क्या है? माना पटेल। और दूसरे गोल्फर कौन बने हैं? उदय माना
उदयन माने। तो दोनों ही नाम आपको याद रखना है, एक के नाम में लिखा हुआ है उदयन माने और एक का नाम ही माना पटेल से शुरू होता है, तो दोनों आपको याद रखना है पेपर के लिए आईएमपी है, क्योंकि इंडिया में गोल्फर बहुत कम होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में चित्र शिविर कार्यक्रम का शुभारंभ जनजातीय संग्रहालय भोपाल में किया गया है। इसकी शुरुआत प्रसिद्ध भीली चित्रकार भूरीबाई द्वारा कैनवास पर चित्र उकेरकर की गई है। अब ये कैनवास क्या होता है? पेंटिंग करने का, जिस चीज़ पर हम पेंटिंग करते हैं उसी को क्या बोलते हैं अपन? कैनवास कहते हैं। तो पेपर के लिए आपको इसमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश में चित्र शिविर का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आंसर क्या होगा? भोपाल। और ये किसके नाम पर किया गया है? भीली चित्रकार भूरीबाई के नाम पर। ठीक है, ये आईएमपी क्वेश्चन है, एमपी के लिए आईएमपी है। फिलहाल मैं इसको इतना ही पूछा जाता है कि चित्र शिविर का कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो आंसर क्या होगा? भोपाल। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, वर्ष 2021 में आयोजित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता की विजेता लुइसियाना की रहने वाली 14 साल की जेला एवंटा गार्डे हैं। अब ये प्रतियोगिता होती क्या है, आप ज़रा समझिए इसको। एक बात और जान लीजिए इसमें, यह प्रतियोगिता जीतने वाली वह पहली अफ्रीकी भारतीय बन गई है, मतलब ये अफ्रीका के मूल निवासी हैं और अमेरिका में बस गई हैं, तो अफ्रीकी भारतीय कौन सी हैं? पहली हैं जिन्होंने क्या जीता है, स्पेलिंग बी प्रतियोगिता को जीता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह स्पेलिंग बी है क्या? दरअसल यह एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें प्रतिभागियों से अंग्रेजी के कठिन से कठिन व जटिल शब्दों की स्पेलिंग के बारे में पूछा जाता है। अमेरिका की इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 2 से 2.5 मिनट का समय दिया जाता है, यानी कि इतने समय के अंदर उच्चारे शब्दों की स्पेलिंग बतानी होती है। मतलब जो भी आपके सामने प्रेक्षक होगा जो आपसे स्पेलिंग पूछेगा, वो हमें 2 से 2.5 मिनट का समय देता है और हमें उसकी स्पेलिंग बतानी होती है, इसलिए इसका नाम क्या है? स्पेलिंग बी प्रतियोगिता। तो यह कहाँ पर आयोजित कराई जाती है? अमेरिका में। तो इस वर्ष की जो विजेता है उनका नाम इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत। नौसेना संगोष्ठी की मेजबानी इस बार पहली बार कौन करने वाला है? भारत करने वाला है। आईएमपी क्वेश्चन है, पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है, तो आप इसको याद रखेंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत। अगला प्रश्न है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 10वां। विश्व में जितने भी साइबर अटैक होते हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसका एक सूचकांक जारी किया था, इंडेक्स, तो उसमें भारत का स्थान कौन सा है? 10वां। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अब हम इसमें कल के क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। तो आंसर ऑफ द डे होगा आपका, मैंने आपसे पूछा था कि 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गोवा। मैंने बताया था कि प्रत्येक वर्ष ही गोवा में ही आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे हम जान लेते हैं कि आज आपके लिए क्या क्वेश्चन दे रहे हैं हम। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल किस देश में बनाया गया है? तो ऑप्शन है आपके ग्रीनलैंड, कनाडा, क्यूबा या फिर डेनमार्क। तो सही उत्तर जो भी होगा आप उसे कमेंट बॉक्स में कीजिए और इसका आंसर मुझे बताइए, क्योंकि ये मैंने आपको पिछले कुछ करंट अफेयर्स की वीडियो में पढ़ाया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक अगले नए करंट अफेयर्स की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।